जब भी कट मारता कोई प्रोनर होता है, दो तरह का होता है कटिंग, हमेशा कटिंग चाहे रॉयल हो चाहे जो मर्जी हो, एक थिन आउट होता है एक हेड बैक होता है। थिन आउट में क्या होता है कि जैसे हमने ये वाली ब्रांचे कि उन ब्रांचों को टोटल निकाल देना, क्योंकि ये तो फंसने वाली है, क्रॉस कर दी है या धूप रोक दी है, उसको थिन आउट करके निकाल दिया। और हेड बैक क्या होता है, हेड बैक में आपने जैसे हमने ये किया तिस्सा हिस्सा निकाल दिया, कि मतलब आपने ग्रोथ रोकी नहीं, आपने हल्का कट मारा थोड़ा और बढ़ेगा। अब ये कट मैटर करता है जो आपकी लेंथ है, अगर आपका स्पर्म वैरायटी है जैसे स्कारलेट है, एडम है, कुछ भी है, ठीक है, सुपर चीज वगैरह, उसमें आपको ये हेड बैक इसका उल्टा चलना है कि आपने सीडलिंग में क्या किया था, ये चौथा हिस्सा फेंक दिया, तीन हिस्से रख लिए, उसमें क्या करना है स्पर्म वैरायटी में तीन हिस्से फेंक देने हैं, एक हिस्सा रखना है। क्योंकि अगर आपने एक बार स्पर्म वैरायटी में आप इस तरह की प्रूनिंग कर दी तो उसमें बीमे फट जाएंगे, बीमे फट जाएंगे, फ्रूटिंग आ जाएगी तो बढ़ेगा नहीं, इतना पौधा इतना ही रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, प्रूनिंग ट्रेनिंग हमेशा वैरायटी पे और आपके पास जितनी खेत में जगह है, जैसा आपने पौधा लगाया उस पे डिपेंड करता है। आपने इस पे मत चलना कि हाँ जी ये बोल रहा है ऐसी करो, ये बोल रहा है ऐसी करो, ये कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। आपका खेत बोलता है, आपका पौधा खुद बोलता है, आपकी वैरायटी खुद बोलती है कि आपने कौन सी ट्रेनिंग करनी है, कौन सी प्रूनिंग देनी है इसमें, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखो ये वाला मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, जैसे ये वाला, अब ये देखो मैं बोल रहा था पहले कि भाई ये भी मोटा हो गया थोड़ा, ठीक है, अब फैदर प्लांट लाया मोटा है बट ये नीचे है। अब देखो कंपटीशन क्या चीज देती है, जैसे टॉप लीडर ही है ना, जो उसके साथ में आधे एक डेढ़ फुट तक की जो ब्रांच होगी वो कम्पीट करती है। इसके लिए ये वाला कंपटीशन था जो हमने हटाया है, ये जो भी था यहाँ पे ना, ये कंपटीशन था इसका, इसके नेक्स्ट था ये बिल्कुल नीचे, ये हटाया। अब क्या होगा, इसका सारा फोकस, इसका सारा न्यूट्रिशन, इसका जो पुश होगा ऊपर चला जाएगा। ये नहीं है कि यहाँ अगर आपने ग्रोथ देनी है आप यहाँ का हटाओ, वो यहाँ का हटाने से यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा माइनर सा, पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा आपकी, यहाँ की ब्रांच हटा दो और यहाँ पे आप भागने लगे, और यहाँ की हटाइए आपने ब्रांच वो ये भागेगा फिर उसके आसपास वाला। तो आपको जहाँ ग्रोथ चाहिए, अगर लीडर मर रहा है, पौधा मर रहा है, तो उसके पास पास के टहने हटाने हैं आपने, वो भी जीरो से नहीं हटाने, स्टब दे के हटाने हैं, ठीक है, तो उस तरह से कटिंग होनी चाहिए। अब ये देखो अगर आपने, आपके पास स्पेस इतना है, ये वाला ये पौधा यहाँ से यहाँ आ गया तो मतलब दो फिट बनने का दायरा है आपके पास, तो आपने दो फीट इसको बनाना है। अब ये शूट है, इस पर आपके बीमे भी बन गया, बड भी बन गया है, ठीक है। अब आपने इसमें ग्रोथ कम चाहिए, कम चाहिए तो आप इतनी कटिंग करते, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं, मेरे को अभी ये और मोटा चाहिए, तो इसको आप यहाँ पे बाहर वाला कोई भी आइस ढूंढ के यहाँ पे स्टब कट थोड़ा लंबे वाला वो मार दो, वहां पे क्या होगा पीछे वाला बीमा वो भी काम करेगा और यहाँ से ब्रांचेस निकलेगी, बीमा नहीं भी चलेगा, चलेगा भी वहां से ग्रोथ भी आ सकती है, बट ये कि आपकी जो यहाँ पे इतना न्यूट्रिशन इसने लेना था ये कहीं ना कहीं ऊपर को जरूर जाएगा, ठीक है। ये अब इसमें क्या काम है, ज्यादा आप कैंची का नहीं है, हल्के हल्के आपने ये तीसरा पार्ट ये हटाना है, इसकी ट्रेनिंग करनी है, ठीक है। अब ऐसे नहीं करना रॉयल वाला, अब रॉयल वाली प्रैक्टिस नहीं करनी। रॉयल में क्या होता था कि जैसे सपोज ये वाला है ना यहाँ पे, तो हमारा क्या यहाँ लगा भी एक आती है, दूसरी साल ये है ना, तीसरी साल ये, चौथी साल ये, ऐसे ऐसे चलते थे। वो क्या होता था, जितना आप कट मारते जाओगे ना वो लकड़ बनेगा, लकड़ कहने का मतलब इतना मोटा मोटा होता जाएगा, जैसे हमारे रॉयल के पेड़ है, वो बीमे बनेंगे नहीं, वो लकड़ बनेगा। हमारे को लकड़ तो नहीं चाहिए, फ्रूट चाहिए, फ्रूट चाहिए, तो आपको ये वाली ट्रेनिंग, इसको अभी से हल्का सा बेंड कर दो, ठीक है। आपने इसको पूरा बिलो हॉरिजेंटल नहीं करना, वो टॉल स्पिंडल और रूट स्टॉक वाला काम है, ठीक है। अगर आप इसको ज्यादा बेंड करोगे नीचे तो यहाँ से ऐसे शूट आ जाएंगे, तो आपका उसका उसमें वेस्ट हो जाएगा, वो शूट आएगा फिर निकालना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, ठीक है। इसको हल्का बेंड करना 45 डिग्री में, जब इसमें बीमे लगेंगे और फुटिंग आएगी तो खुद ब खुद बैंड हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो इसको इस तरह से करो, ये अंदर वाले शूट आपने इस टब से हटा देने, और अगर ये शूट जो अंदर वाले हैं, सपोज ये तो अभी दो साल का थोड़ा बड़ा पौधा है, तो कैंची से जो छोटा शूट होगा वो आपने काटना नहीं है, स्टब नहीं देना है, उसको रहने देना, वहां पे रिंग बनेगी अगली साल, वहां रिंग से काट देना है। जो कैंची से बड़ा होगा शूट, उसको आपने स्टब दे के, स्टब भी देखो कैसा होता है, दो तीन तरह के स्टब होते हैं ये, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो नेट पे दिखाता है डच कट, स्टब कट, ये कट, वो कट, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। आपने एक ध्यान रखना है कि अगर तो आप विंटर में प्रूनिंग कर रहे हो, अभी सर्दी की प्रूनिंग कर रहे हो, ठीक है, तब तो जो स्टब कट मारना है उसमें कोशिश करना है कि यहाँ आइज ना रहे, छोटा सा ठूंढ रहे, बिल्कुल ठूंढ बोलते हैं हमारे आपके बदन क्या बोलते हैं, तो मतलब वो छोटा सा रहे, उसमें आइज ना रहे। अगर आप यहाँ पे आइज छोड़ दोगे ना, इस वाली थोड़ी भी इतनी सी छोड़ दी, ये वाली इतना कट मार दिया, तो क्या करेगा ये ग्रो करेगा, फिर दो तीन आंखें होगी भागेगी, फिर से ग्रोथ पे जाएगी। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव था, पर्पस था कि भी मैंने बीमे बढ़ानी है, अंदर को ग्रोथ तो नहीं लेगा बंदा, तो नहीं मिलेगा। वो वाला कट क्या है,
जो 2-3 इंच वाला है वो समर में पड़ता है, जब समर पूरा नहीं करते ना तब होता है, जब आपने 2-3 आइज यहाँ छोड़ दी ना और यहाँ कट मार दिया तो उसमें से एक ग्रोथ में जाएगी, पीछे वाली 1-2 में बीमा बनेगा, तब होता है। जो विंटर वाला स्टब कट मारना है उसमें कोशिश करना है कि आप यहाँ आइज ना रहे, बस यहाँ पे 1/2 इंच का ये स्टब रहे, तो यहाँ रिंग से आपके छोटे छोटी शूट भी आ सकते हैं, और कहने अगले साल ऐसा भी हो सकता है यहाँ से 2-3 शूट आए, 1 बड़ा आए, 2 छोटे आए, 1 छोटा आए, तो उसमें छोटे वाला रखना है। या उसमें अगर छोटे कैंची से छोटे है तो उसमें आपने क्या करना, उसको रहने ही देना, उसकी रिंगे बनेगी, रिंगे काट के आप वहीं एक आपका क्लस्टर बन जाएगा, यहीं पे आपका बीमा बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब सारा ये इसमें आपने वैसे करना, हल्का हल्का इसको 1/3 काटना है, तीसरा हिस्सा पीछे, चौथा निकाल देना है। अब ये देखो ये यहाँ कम्प्लीट कर रहा है, तो आप इसको पीछे से स्टब से हटा दो बाहर वाली आइज से। अब ये हो गया, अब इसमें आपका ट्रेनिंग का काम है। अब जितना स्पेस आपके पास है 1-2 फीट ना, तो यही वाली प्रैक्टिस चलनी है इसमें। आपने ये नहीं इसमें रॉयल वाला यहाँ कट मारते जाओ इधर इधर, ये बढ़ता जाएगा, लक्कड़ बनता जाएगा, फिर जब यहाँ 2 फीट में पहुंच जाएगा तो आप ना इसको रोक पाओगे, पीछे मोटा इतना हो जाएगा, ना उसमें बीमे फटेंगे, जैसे रॉयल के हाल है हमारे मैक्सिमम में, तो वो